अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको रिव्यू करवाएंगे हेज कटर की, जो कि बैटरी ऑपरेटेड है, और आपको इसकी कंप्लीट फिटिंग का तरीका भी बताएंगे और इसको चला के भी दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों, और इसकी एहतियात वगैरह भी बताएंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, हमारे साथ ही रहना। तो ये दोस्तों हेज कटर है, जो कि बैटरी से चलता है। ये इसका ब्लेड है, ठीक है, ब्लेड की क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, ट्रिमिंग के लिए, शाफ्ट तराशी के लिए। ये मतलब ना कोई इसके साथ इंजन वगैरह है और ना कोई इलेक्ट्रिक के तार का इशू हुआ है, बस ये दोस्तों इसके साथ बैटरी है, ठीक है, बैटरी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, 40 वोल्ट की बैटरी है, ठीक हो गया। और ये इसके बैटरी के जो है ना ऑप्शन है कि बैटरी मनी है इसकी, ठीक है। तो ये इसका चार्जर है दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी में इसका चार्जर है। ये आप ऐसे दोनों प्रेस करेंगे, ऐसे प्रेस करके ये ऐसे लगाएंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे शो भी करेगा, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये इसका चार्जर है और ये इसका तार है दोस्तों चार्जर की, ठीक है, और ये दोस्तों आज कटर है। तो ये दोस्तों इसका फंक्शन है, स्टार्ट करने के लिए आप इन इसको प्रेस करेंगे और ये प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद ये भी साथ प्रेस करेंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो है ना ये घूम भी सकता है, अगर आपने इस तरह कटाई करना हो ऐसे करके तो आपका हाथ सीधा ही रहेगा, ठीक है, और मशीन टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये भी इसके साथ काफ़ी अच्छा फंक्शन है, ये इस साइड भी घूम सकता है और इस साइड भी घूम सकता है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, इसकी ब्लेड की क्वालिटी भी अच्छी क्वालिटी है, नॉर्मल नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ब्लेड है इसका, ठीक है। बाकी इसका एहतियात यही है कि जो भी हेज कटर हो, पेट्रोल वाला हो, चाहे वो ब्रश कटर की अटैचमेंट हो, तो वो यहाँ पे आप ऑयल वगैरह लगाएं ताकि इसको जंग ना लगे, ठीक है, इस्तेमाल से पहले, और इसकी सफाई करेंगे तो ये इंशाल्लाह ब्लेड जिस तरह अच्छा है, जिस तरह फिनिशिंग क्वालिटी है, उसी तरह रहेगी। एहतियात यही है कि आप इसको मोबलेल देते रहेंगे तो ये जंग नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों अभी हम इसको बैटरी लगा के आपको चेक करवाएंगे, और ये इसका चार्जर भी जो है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का चार्जर है, ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन सारी लिखी हुई है, ठीक हो गया दोस्तों। और ये यहाँ से ऑप्शन भी देगा कि बैटरी फुल है या नहीं फुल है, वो सारा कुछ इसके बीच में चार्जर में सेटिंग है। बाकी जो चेंसा वगैरह है उसके अंदर ये चार्जर इस तरह का नहीं होता, इसके साथ चार्जर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और इसकी दोस्तों बैटरी की बात की जाए तो बैटरी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बैटरी है, आप देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है बैटरी की भी। और ये दोस्तों इसकी बैटरी बाद में मिल भी जाती है, बाकी इसका कोई भी चीज़ नहीं मिलता है सिवाय बैटरी की, बैटरी मिल जाती है, बाकी इसका कोई पार्ट्स नहीं मिलता, इलेक्ट्रिक चीज़ें ना, इनके स्पेयर पार्ट नहीं मिलता। बहरहाल ये है कि जो शाफ्ट तराशी मतलब आपका छोटा सा लान है वहाँ पर आपने ट्रिमिंग वगैरह कर दी है और उसके लिए बेहतरीन है, क्योंकि आपको तार की ज़रूरत नहीं होगी, ना इंजन स्टार्टिंग की मसला होगा, बस आप अपना काम कर सकते हैं इसके साथ ईजीली, ठीक है दोस्तों। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए ये नहीं है, घर के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन चीज़ है और इजी है। इसका वेट भी इतना नहीं है, वज़न भी इतना नहीं है, और मोटर वाली जो मशीन होती है हेज कटर, उससे तो बहुत बेहतर है, ठीक है, क्योंकि इसका जो मोटर लगा हुआ है वो 12 वोल्ट का है, तो वो जो है ना जलेगा नहीं, 220 वोल्ट नहीं है, ठीक है, 220 वोल्ट जो होता है, अगर वो चाइना की इसी तरह की है, ये भी चाइना की है, मगर जो आम हैच कटर होगा चाइना का, वो जब आप उसको इस्तेमाल करोगे या तो उसका मोटर ख़राब हो जाएगा या आर्मेचर जल जाएगा, तो वो दोस्तों रिपेयरेबल नहीं होता, ठीक है। इसका 12 वोल्ट का मोटर इतना जल्दी नहीं ख़राब होता। तो ये दोस्तों मैं इसकी बैटरी यहाँ पे लगा के आपको दिखाता हूँ, ये इसकी बैटरी है, ठीक है, ये आप इस तरह प्रेस करेंगे और ये यहाँ पर लग जाएगी ऐसे, ठीक है। तो जब तक इसको आप प्रेस नहीं करेंगे तब तक बैटरी आगे काम नहीं करेगा मशीन, जब आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये आपको ऑप्शन आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको प्रेस किया, ये देखें, ये बस अभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलाने के लिए दोस्तों ये जो बटन है इसको आपने यहाँ से भी आप पुश कर सकते हैं ऐसे करके, और यहाँ से भी आप इसको पुश कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है दोस्तों। तो दोनों साइड पर इसका ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद ये अकेले आप दबाओगे तो ये नहीं चलेगा जब तक कि आप इसके साथ इसको नहीं दबाओगे, ये, ठीक है दोस्तों।
तो ये इसका चलाने का फंक्शन है। बाकी एहतियात ब्लेड की वही है जो कि आप हर हैज कटर हो, चाहे वो अटैचमेंट हो, चाहे वो पेट्रोल वाला हैज कटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक बिजली से चलता हो, बाकी ब्लेड का जो एहतियात है वो सब की सेम होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों इस तरह आप इसको प्रेस करेंगे, साथ में इसको भी करेंगे। ये दोस्तों बाकी जो मशीनें होती हैं ना उसकी निस्बत ये काफ़ी स्मूथ है। ठीक है, काफ़ी मतलब आराम से, ना इसका कोई आवाज़ है, ना कोई शोर वगैरह है, बिल्कुल आराम से जो है ना ये मशीन काम करती है। ठीक है, और कम घर के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन चीज़ है। आप जो भी ट्रिमिंग वगैरह जो कैंची से करते हैं वो तो वो बेहतर है, इससे आसानी से भी होगा और डिज़ाइनिंग वगैरह भी इससे बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी स्टार्टिंग है, काफ़ी ईजी। दोस्तों हैज कटर जो कि बैटरी ऑपरेटेड है। ठीक है, और बाकी इसकी के लिए दोस्तों बेहतरीन चीज़ है। अगर छोटा मोटा इस्तेमाल है तो उसका इसका ये फ़ायदा है कि ना तो इसका मोटर जलेगी, ना तो आपका कोई इंजन स्टार्टिंग में मसला होगा, और ना ही कोई मतलब इस तरह का कोई और इशू आएंगे। तो उस हिसाब से ये बेस्ट है छोटे मोटे काम के लिए। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद मालूमात देंगे, और इसी तरह गार्डनिंग टूल के मुताबिक आपको जो भी चीज़ चाहिए होती है दोस्तों, वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, मालूमात भी ले सकते हैं। और हमारे पास ऑल टू जेड गार्डन टूल्स, ब्रश कटर वगैरह, ग्रास कटर, लॉन मूवर मैनुअल, और इसके अलावा हमारे पास इसका ऑल टू जेड पार्ट्स भी मौजूद होता है, और हमारे पास रिपेयर मेंटेनेंस भी इसका कम्प्लीट तसली बख्श किया जाता है। तो अब तक के लिए इतने ही दोस्तों, दुआओं में याद रखना। शुक्रिया।